कुर्सी पार्क के वार्ड क्रमांक 42 गौतम नगर में डायरिया फैल गया है। 34 लोग उल्टी दस्त और बुखार से पीड़ित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्वे किया। कुछ बीमारों को लाल बहादुर शास्त्री और एक मरीज को सेक्टर 9 अस्पताल में एडमिट किया गया है। गंदे पानी के सेवन से कुर्सी पार के वार्ड 42 गौतम नगर में डायरिया फैल गया है। लगभग 315 घरों में 34 डायरिया से पीड़ित मरीज मिले हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। डायरिया फैलने की जानकारी लगते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं ने मोहल्ले में ही कैंप कर डोर टू डोर सर्वे किया। कुछ देर के भीतर 200 मीटर के दायरे में 350 घरों में जाँच की गई, जिनमें से 4 लोगों की हालत खराब होने से लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेजा गया। वहीं एक मरीज को सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ अन्य मरीजों का इलाज घर पर ही किया जा रहा है। मोहल्ले की नालियों में गंदगी की भरमार है। वाटर सप्लाई की पाइपलाइन वहीं से गुजरने की वजह से डायरिया के फैलने का कारण माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गौतम नगर में हो रही वाटर सप्लाई के पानी का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती मरीजों के सतत संपर्क में डॉक्टरों की टीम है। यहां बेहतर उपचार भर्ती सभी मरीजों का किया जा रहा है। इस संबंध में डॉक्टर प्याम सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जी मैडम, आज हमको खबर मिली सुबह 9 बजे कि यहाँ पे गौतम नगर वार्ड नंबर 42 में उल्टी दस्त की शिकायत मिली। जैसे ही हमको सूचना मिली, हमने तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम एवं नगर निगम की टीम, दोनों की टीम वहाँ पे हम चारों तरफ से अपन कवर करते हुए मरीजों को घर डोर टू डोर हमने सर्वे किया और देखा कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग थे, उनको लूज मोशन की शिकायत थी, दस्त की शिकायत थी और कुछ लोग जो है साथ में उल्टी और दस्त दोनों थी। गौरतलब है कि ऐसी ही स्थिति वार्ड 45 कुर्सी पार में बनी हुई है। यहाँ के लोग भी नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं, जिससे यहाँ भी जल जनित बीमारियों के फैलने का अंदेशा बना हुआ है। वार्ड 45 में गटर का पानी लोगों के घरों तक पहुँच रहा है। लोग सुबह से शाम तक केवल घरों में एकत्र गंदे पानी को निकालने में ही लगे रहते हैं। इसकी जानकारी नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अच्छी तरह से है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से यहाँ किसी भी वक्त बीमारियाँ फैल सकती हैं। बहरहाल डायरिया फैलने को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह से मुस्तैद है। घर घर सर्वे कर दवाइयां दी जा रही हैं, साथ ही वार्ड के लोगों से गंदे पानी का सेवन नहीं करने और पानी को उबाल कर पीने की अपील भी की जा रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।